बहुत ही कम टाइम पे आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, हमारे साथ ऐसे हमेशा होता रहता है। आज हमें बहुत ही फख्र है कि आज जम्मू से हमारी सिविल सोसाइटी के दिग्गज जो लोग हैं वो आज जम्मू से आए हैं यहाँ पे, और हमारे साथ इन्हें एक डायलॉग किया है, और उसमें खुसूसन हमारे जो आप हमेशा देखते रहते हैं नरेंद्र खालसा साहब हैं अपने अकाली दल से, और अपने आईडी खजूरिया साहब हैं जो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन भी जम्मू से चला रहे हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर को इकट्ठे करने का, लोगों को इकट्ठा करने का, उनकी सोच को इकट्ठा करने का उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। और उसके अलावा जो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूपीए यूनाइटेड पीस अलायंस, शायद सलीम साहब और ये सब अपने खजूरिया साहब और ये लोग चलाते हैं। उसके साथ साथ हमारी जम्मू से लोग आए हैं, अपने हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से और साकिब मखदूमी साहब यहाँ बैठे हैं हमारी, इनका और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एन का सिर्फ आंकड़ा है, बाकी ये अवामी कॉन्फ्रेंस को यहाँ देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पीटर आशु साहब, पीटर जी, जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा, जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा से, ये दो खुसूसन मैं बात करूंगा, उसके बाद थोड़ा ये शाहिद साहब बात करेंगे और थोड़ा खालसा साहब और अपने खजूरिया साहब भी बात करेंगे। कि बात ये हुई है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम्स जम्मू की सोसाइटी में है वही प्रॉब्लम्स लगभग कश्मीर में है, और वाइस वर्सा, इसी तरह जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है वो जम्मू में आ रही है, और ये सब माना जा रहा है कि नहीं, हमको इन प्रॉब्लम को, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमको जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को, इनको इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल लेवल भी हमारे साथ जुड़ेगी इसमें, इस जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, अपनी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जैसे आज बहुत बड़ी बात ये हुई कि दरबार मुंह को रेस्टोर करिए, यहां से मैं गवर्नर साहब से बात कर रहा हूं, होम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि जो आपने फैसला लिया दरबार मुंह को जो आपने खारिज कर दिया वो बहुत गलत फैसला लिया आपने। दरबार मुंह सिर्फ दरबार का मामला नहीं है, हमारी कल्चर का मामला है, हमारे मिक्स होने का मामला है, हमारे इकोनॉमी का मामला है, और इन सब चीजों को लेकर दो बहुत अहम कोशिश करेंगे हम इन सब के साथ मिलकर, कि यहाँ पे जुलाई में एक जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी J&K यूनिटी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह होगी, जिसमें हमारे साथ अपने जम्मू से ये सब साथी होंगे, हम लोग होंगे यहाँ से, और हमारी सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग उसमें जुड़ेंगे हमारी जमातों के साथ, चाहे वो बड़ी जमातें हैं छोटी जमातें हैं, और कोशिश करेंगे कि ये दूरियां, जो आज एक मौका आ रहा है कि आज जम्मू भी समझ गया कि 2019 के 5 अगस्त के बाद जो डिजास्टर जम्मू में हुआ है वही आज ये समझ रहे हैं कि नहीं, कश्मीर में भी यही हुआ जो जम्मू में हुआ, और जो जम्मू में हुआ वो कश्मीर में हुआ। आज बहुत बड़ी एक चीज ये होने, ये हमारी सिविल सोसाइटी ने महसूस की कि नहीं, हम दोनों का प्रॉब्लम एक ही है, और इसमें हम लद्दाख को नहीं भूल रहे हैं, हमारे लिए लद्दाख अभी भी वैसा ही हमारा हिस्सा है जिस तरह 5 अगस्त 2019 के पहले था। उसके साथ में एक और चीज जो हमारे अपने क्रिश्चियन समाज से आशु पीटर मोटू साहब, इनका एक 20 जून को यहां पे इंटरफेथ इंटेलेक्चुअल हार्मनी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है, जिसमें तमाम फेथ के लोग, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल, सोशल, वो सब जमा हो रहे हैं, और इंशाल्लाह वो वेन्यू का भी बहुत जल्द उस पर ऐलान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी ये दो चीजें हैं जो होने जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर और जो हमारी ये रियासत है, हम तो उसको अभी भी रियासत मानते हैं, को जो इसकी रिलेशनशिप आपस की है वो ना टूटे, हमारे डोगरे भाई का जो हमारे साथ प्यार मोहब्बत है, मुसलमान के साथ है, सिख के साथ है, क्रिश्चियन के साथ है, कश्मीरी पंडित के साथ है, वो कायम और दायम रहे, और ये आवाज़ दोबारा आज उठ रही है, जम्मू का आदमी भी समझ रहा है कि नहीं,
मेरी भी वही प्रॉब्लम है जो कश्मीर की है, और कश्मीर का भी यही समझ रहा कि नहीं जम्मू में जिस तरीके से इस वक्त इनकला हो रहा है बाहर से लोगों का, 30-40 लाख लोग ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, और अगर 10-20 लाख और सामने आ जाएंगे तो जम्मू का कल्चर, जम्मू का डोगरा कल्चर माने एक्सटिंक्ट हो सकता है, खत्म हो।